राइमर टीमेन अभिक्रिया बहुत ही सिंपली बताऊंगा कैसे होती है रिएक्शन, एक ही बार में सार से दिमाग में समझ में आ जाएगी, तुरंत जान जाओगे कि राइमर टीमेन अभिक्रिया क्या होती है, किसके साथ में होती, तो बहुत प्रकार की है राइमर टीमेन अभिक्रिया। जिस कंपाउंड के साथ कराएंगे राइमर टीमेन अभिक्रिया बनेगी। देखो हम कराते हैं, तो सबसे पहले अगर जो मान लो हम क्लोरोफॉर्म के साथ कराएं तो दूसरा कंपाउंड बनेगा, अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराएं तो दूसरा कंपाउंड बनेगा। इसी तरीके से कई प्रकार की रिएक्शन तुम्हारे पास में है, तो हम कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ पहले बताते हैं। देखो मान लो हमारे पास में फिनाल है, फिनाल, फिनाल के साथ कराते हैं हम, ये फिनाल, फिनाल ले लिया हम, यूदे ले लिया फिनाल, फिनाल ले लिया, फार्मूला तो सबका पता हुई फिनाल के रहा का होता है, सबका पता हुई फार्मूला, फिनाल ले लो और कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लो, यूदे कार्बन टेट्राक्लोराइड, यूदे कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लिया, वीके बाद में यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लो, जी का एन ए ओ एच बोले थे हम, ले लिया, अब कराए दो रिएक्शन सीधे। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, चार, तो यहाँ ऊपर कितने एन एच तीर लगा दी हम, आगे चार लगा दिया, कोई समस्या, समस्या कतई ना हो चाहिए, क्योंकि सी एल पर होते हैं माइनस, एन ए पर होते हैं प्लस, तो यू वाला एन ए और सी एल, यू तो निकल जाए बाहर, बाहर निकल जाए कि ना निकल जाए, बाहर निकली। देखो तो सबसे पहले यू फिनाल जैसे बना है वैसे हम ऐसी बनाए ली, देखो बनाए ली थी हम, गड़बड़ी को ना हो चाहिए, बिल्कुल सेम वह इतना बनाए ली। दो मिनट खाली वेट करो, रिएक्शन तुरंत तुम्हारे दिमाग में, रिएक्शन तुरंत तुम्हारे दिमाग में, खाली दो मिनट वेट करो। फिनाल जैसे बनी रहा वैसे फिनाल बना लिया, बनी गए प्लस। अच्छा यहाँ पर एन ए कत्ते, सी एल कत्ते, सी एल चार, एन ए चार, कहाँ निकाल दी हम, फोर एन ए सी एल बना दिया, एन ए सी एल निकल गया, देखो चार एन ए चार सी एल बाहर निकाल दिया। अच्छा अब यहाँ पर हमारे थे चार ऑक्सीजन बचे, चार हाइड्रोजन बचे, चार ऑक्सीजन बचे, चार हाइड्रोजन बचे, यहाँ पर एक उसी बचा, तो यू वाला सी उठा के ई के जगह पर हम अगर लगाई दी, अगर यू वाला सी उठा के हम ई के जगह पर लगाई दिया, ऑक्सीजन यंत्रे दुई उठा लो, ऑक्सीजन यंत्रे हम दुई ठोर उठा लिया, एक यहाँ पर हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुई, वो वाला हाइड्रोजन यहाँ पर हम दी लगाए ले, ऐसे लगा दिया हाइड्रोजन, कोई समस्या ना। अब यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे तिर बचे कत्ते, कई ठोर बचे, दो ठोर बचे, जब ऑक्सीजन दो ठोर बचे हाइड्रोजन का बचे चार, तो हमारे तिर का बन जाई एच टू ओ, ऑक्सीजन दो तो यू का बनेगा टू एच टू ओ, का बनेगा प्लस केरा टू एच टू ओ बनेगा हमारे तुरंत। देखो पूरी रिएक्शन का हुई गया, साल्व हुई गए कि ना हुई गए, ई का नाम का रहा है फिनाल, फिनाल नाम रहा है, ई का नाम का रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, का नाम रहा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड नाम रहा है, ई का नाम का रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, का नाम रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ई का नाम बना का सैलिसिलिक अम्ल बना, का बना सैलिसिलिक, सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। यू तो सोडियम क्लोराइड नमक सबको जानते हो, यू तो पानी सब लोग जानते हो, तो रिएक्शन बनी कि ना बनी, फिनाल कार्बन टेट्राक्लोराइड सोडियम हाइड्रोक्साइड सैलिसिलिक अम्ल बनेगा, जल हमारे तो जल बनेगा और हमारे तो एन एस सी एल बनेगा, ये रिएक्शन बनेगी, यही राइमर टीमर रिएक्शन है। एग्जाम में पूछेगा राइमर टीमर रिएक्शन किसे कहते हैं, सीधे टिप्पणी कीजिए तो तुमका उठा के झरद रिएक्शन पुट करा देना है। फिनाल ले लो कार्बन टेट्राक्लोराइड, अच्छा यहाँ पर कुछ और ले सके थे, कार्बन टेट्राक्लोराइड के जगह पर अगर ई के जगह पर अगर जो सी एच सी एल थ्री ले ली, ई के जगह पर के ओ एच ले ली अगर जो, तब वो रिएक्शन बन जाए, तब यहाँ पर सैलिसिल एल्डिहाइड करा कंपाउंड कोई बनी, एल्डिहाइड करा हमारे पास में, वह रिएक्शन तुमका बताइबा बाद में, हाँ या रिएक्शन जा नहीं पाओ कि ना जान पाओ, पहले यू बताओ या रिएक्शन जा नहीं पाओ, हम का बनाएं यूदे फिनाल बनाएं, याद रखो सीधे फिनाल का लिया सी सी एल फोर लिया प्लस एन ए ओ एच लिया, जय सी एल तय एन ए ओ एच ले लिया, गिव्स दैट सीधे इधर फिनाल बना रहा है तो वह इतना बना लिया, यहाँ पर चार एन ए चार सी एल बाहर निकाल दिया, एन ए सी एल कितने चार, और प्लस क्या यू वाला सी उठा के ऊपर चिपका दिया, यू दे सी चिपका दिया ऊपर सीधे उठा के, हाँ दो ऑक्सीजन यंत्र उठा के साथ हम चिपकाओ,
एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी पर रहा बैकिन, और प्लस का 2H2 वो तुम्हारे पास भी है। देखो बनेगा कि नहीं बनेगा, वहा तो बना तुम्हारे पास, जैसे रिएक्शन या तैसे वहा है तुम्हारे। हमें एक बार बता दिया, फिर से तुमका कैसे चपकाना उठा उठा, कुछ नहीं, सीधे राइमटीमन रिएक्शन बहुत ही, और लेकिन इंपॉर्टेंट भैया बहुत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए आना जरूर है, अब की बार पूछी जरूर जाएगी, पिछली बार भी पूछी गई थी, अब की बार पूछी जाएगी। तो वीडियो हमारा अच्छा लगा, अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करना बिल्कुल ना भूल।